gracias. केशव, एक दो अल्फाज बताओ, क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरा नाम केशव है, आई एम फ्रॉम कर्नाटका हुबली से। मैं बहुत साल से काम कर रहा था, मेरे को वो आईसी वगैरह काम नहीं आता था पहले से, वो एमएमसी और सीपीआईसी बोलने को मैं डरता था पहले, अभी बिंदास बोल सकते हैं। बिंदास, ब्लैक पेस्टर्ड दे दूँ? हाँ सर, ब्लैक पेस्टर्ड। डर तो नहीं लगेगा, डबल डेकर दे दूँ? नहीं सर, डबल डेकर भी ईजिली कर ले रहे हैं, वन ट्रिक पे। हाँ सर। कैसे पॉसिबल हो गया ये? वो सागर सर ट्रिक बहुत अच्छा लगा सर, सही तरीके से बताएं तब जाके आप कर रहे हैं। हाँ सर। इसके अलावा फॉल्ट फाइंडिंग करना हो, डायग्राम रीड करना हो, कर लेंगे। और डायग्राम भी अच्छा रीडिंग करते हैं सर। कैसा पढ़ा रहे हैं आप इंस्टीट्यूट में? वो अच्छा है सर, बहुत अच्छा है सर। जो सोच कहे थे मिला आपको? हाँ सर। कितने साल से काम कर रहे थे आप? बहुत साल से काम। क्या प्रॉब्लम आ रहा था? वो ट्रेसिंग वगैरह और आईसी निकल के डालने को प्रॉब्लम हो रहा था, तो काम वापस चले जा रहा था। हाँ सर। अभी तो कर लेते खुद? हाँ सर, आराम से कर लेते। तो पहले अगर आ जाते दो चार साल पहले? अभी बहुत, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे ही बैठ के हैं मार्केट के अंदर, ये जाएंगे जाएंगे बोल के बैठ के हैं, काम तो वापस ही जा रहा हूँ। तो लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? अभी इधर फोन फिक्स आए तो परफेक्ट सिखाते हैं, इधर कुछ भी कर सकते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच भाई, इनके लिए जोरदार क्लास। गोपीनाथ, गोपीनाथ जोरदार क्लास। कौन है? अब्दुल करीम, करीम नाम करीम ही है ना दोबारा? करीम जो है हैदराबाद से है, ये भी पुराने स्टूडेंट, एक रेफर कर रहे हैं, इनको यहाँ सीख के गए थे। तो सबसे पहले ये बताओ, आप कब से काम कर रहे हैं? मैं दो तीन साल से हूँ। दो तीन साल से काम कर रहे थे, पहले तीन चार महीने आके गए थे आप? हाँ, गए तो था, आना जाना चल रहा था, कब मिलता चांस बोल के। हाँ, तो अभी आपके 20 दिन फाइनली पूरे हो गए, क्या बोलना चाहेंगे बच्चों को? तो मैं आपको नॉलेज, डीप नॉलेज होना है तो इधर आओ, या फिर आपको ऐसे टाइम पास करने बोट इंस्टीट्यूट खुले हुए इधर उधर भिजा देते रहते हैं। अगर हैदराबाद से तो घर के नज़दीक ये बेस्ट है, इधर आ जा सकते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन, इधर अच्छी नॉलेज मिल जाती। आपके पीछे रहते फेरो सर है, सागर सर है, तौफिक सर है, ये सॉफ्टवेयर के लिए बोलने के लिए, और हमारे साथ यहाँ पे इधर स्टाफ मेंबर्स भी है, लोग भी अच्छी नॉलेज रखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम, अभी बहुत सारी चीज़ें इन यहाँ से भी सिखा सो मैं, मतलब ये सुबह के टाइम पे 8 बजे से हैंड स्किल्स वगैरह सब यहाँ पे सिखा सो। मतलब यहाँ पे जितना भी स्टाफ है सबका एक ही मोटिव मकसद है कि बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाना है। हाँ। तो बैठ के ऐसा घर की बातें यहाँ वहाँ की बातें तो टाइम पास नहीं कर रहे, पर्सनल लाइफ को डिस्कस नहीं करे कभी, टाइम नहीं मिलता, वो भी बात करने नहीं मिलता ही नहीं टाइम अपने को, है ना? तो ये बताओ अभी क्या क्या काम कर ले रहे हैं? अभी ब्लैक पेस्टर्ड हो गया, व्हाइट पेस्टर्ड हो गया, और ड्यूल डेकर में भी मेरा लास्ट फाइनली चल रहा, उसको थोड़ा काम है, ऐसा नहीं है हाथ डालती सबको 100% एक टाइम पे नहीं आता। बिल्कुल। अब मेरे को इधर आयबाद में भी थोड़ा टाइम लग रहा करने के, लेकिन मेरे को मालूम है कैसा करना है बोल के। आपको मेन टेक्निक और ट्रिक चाहिए, बिल्कुल कभी काम नहीं करें, आज 20 दिन में यहाँ तक पहुँचे आप। डायग्राम वगैरह देखा हमें, आप फेयर नोट बना रहे थे, सवाल भी ऐसे कर रहे थे के जो पहले से काम करते बच्चे। हाँ हाँ। तो डायग्राम वगैरह रीड कर ले रहे अभी? हाँ, डायग्राम तो देखने आ रहा, थोड़ा जो है एक दो क्लास मेरे मिस हो गए, इसमें थोड़ा ईयर प्रॉब्लम आई थी, सॉफ्टवेयर में थोड़ा मैं पीछे हूँ, वो भी कवर कर लेता हूँ अभी। चलो कोई बात नहीं, काम करते करते हो जाता, आप तो लोकल से हैं, और एक बार भी अपडेट होके लिए आ सकते हैं ना, उसमें कुछ नहीं। फाइनली कोई आना चाहे क्या बोलना चाहेंगे? आ सकते, इंस्टीट्यूट अच्छा है, ये आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है इधर। चलो, थैंक यू वेरी मच भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अच्छा काम करो जाके। अजीम शेख के लिए जोरदार क्लास। अजीम, कहाँ से हैं आप? जी सर, मैं महाराष्ट्र उस्मानाबाद से हूँ। कब से काम कर रहे थे आप? सर मैं बिल्कुल फ्रेशर था, बिल्कुल फ्रेशर, कभी काम नहीं। यहाँ कैसे आ गया फोन? और यहाँ पे हमारे भाई है कुलडौड़ी से। अच्छा। तो अब्दुल पठान है नाम उनका, तो उन्होंने ही भेजा इधर, तो हम आ गए थे। उन्होंने आपसे पहले की ट्रेनिंग ली है, तो उन्होंने बताया अच्छा ही, अच्छी ट्रेनिंग है।
तो जा सकते हैं आप वहाँ पर। तो जो उन्होंने भेजा आपको वैसा मिला कि कुछ अलग मिला? जी हाँ, उन्होंने जो बोले वो उससे कुछ ज़्यादा ही मिला। दिल से बोल रहे हैं? हाँ सर, दिल से। तो भेजने वाले अब्दुल भाई को क्या बोलना चाहेंगे? जी जी, उनको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा, जो भी उन्होंने भेजा इसलिए मतलब पूरा काम सीख गए। तो क्योंकि आपके शहर में और बहुत सारे नॉर्थ में भी इंस्टीट्यूट है, जितने सारे वहाँ नहीं जाके आप यहाँ पे चूज़ करें फ़ोन फिक्स को। हाँ, तो जो सोचे उन्होंने वो आपसे ज़्यादा आपको मिला बता रहे आप। हाँ, तो कोई आना चाहे यहाँ पे आपके शहर से या कहीं नॉर्थ से, क्या बोलना चाहेंगे? जो भी आना चाहते हैं ज़रूर आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है रहने की, वो भी कुछ भी दिक्कत नहीं है यहाँ। बिंदास आ सकते हैं आप। फ्रेशर है, इतना कॉन्फिडेंट कैसे आ गया भाई आपके अंदर 20 दिन में? इतनी यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह पूरे हो जाती है, और जो सर आप सिखाते हैं और सागर सर है, तौफिक सर है, इन्होंने जो सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर जो भी होगा सब अच्छी तरह से वो सिंपल ट्रिक बताई सर सब। ऐसा तो नहीं कुछ हाइड कर ले रहे? नहीं, पूरा अच्छी तरह से सिखाते हैं, प्रैक्टिस भी कर लेते। क्या लगता है अभी जाके काम कर पाएंगे? हाँ सर, जरूर। यहाँ पे लाइव कराते ही है? हाँ, लाइव कराते। बोर्ड सारे हम लोग ही दिए? हाँ सर, सबको दिए ना बोर्ड? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि एक ही बच्चे को दे रहे। ब्लैक पेस्टर, व्हाइट पेस्टर सब डबल डेकर पूरे बोर्ड दिए, फोन भी दे दिए और ऑन भी कर लिया हमने सीपीयू वगैरह। बहुत सारे बच्चे तो ऑन भी करते हैं उसमें से, तो किसी को ऑन निकल जाते, किसी को बंद करा भी रहता। वैसे पहले से तो आईसीआर निकले हुए, खोले हुए, छिड़ना उतरे हुए, ऐसा नहीं था। फ्रेश बोर्ड थे, फ्रेश बोर्ड थे सर। जितने बच्चे आते हैं यहाँ पे, जो मदरबोर्ड्स यहाँ पे देते पूरे इंडिया में कोई नहीं देते। नहीं, हम जो भी देते हैं वो भी फ्रेश रहते हैं। पहले से काम करे हुए थे क्या भाई किसी? नहीं, पूरा फ्रेश थे ना? शेड निकले हुए, पत्रे निकले हुए, आईसीआर खुले हुए, ऐसा तो नहीं थे? फ्रेश थे। तो मुंबई से बताए आप? जी, उस्मानाबाद से। उस्मानाबाद से कोई आना चाहे क्या बोलना चाहेंगे? उस्मानाबाद से जो भी आना चाहते हैं जरूर आ सकते हैं, पूरे ऑल इंडिया से आ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हिंदी का कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में बता दे पूरा अच्छी तरह से। तेलुगु में तो नहीं बात करते? नहीं नहीं, तेलुगु में नहीं बात करते, नेटिव हम लोग नहीं आती नहीं है सर तेलुगु। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच भाई, इनके लिए एक बार जोरदार क्लास। थैंक यू साजिद खान के लिए जोरदार क्लास। तो मारुति जो है यहाँ पे, इससे पहले किसी को भेजे थे काम सीखने के लिए? हाँ, मतलब इनके पास कोई काम कर रहे थे, उनको काम सीखने के लिए भेजे, तो वो भाई साहब अच्छे तरीके से काम सीखे और थैंक यू वेरी मच बोल के चले गए। तो ऐसा बिल्कुल भी कोई भी मत करो मेरे भाई, बार बार बोल रहा हूँ मैं। ऐसा मत करो, ये बंदा किसी को भेजा, पैसे लगा के तो एक उम्मीद पे भेजा है ना भाई, नहीं तो वो कभी काम सीख पाता क्या? पैसे लगाओ, टाइम निकालो। तो इनका वो बिलीफ तोड़ दिया, खैर कोई बात नहीं, जो होता अच्छे के लिए, इसके लिए होता भाई, अच्छे के लिए होता। हम तो या तो सीखते क्या भाई, हारते क्या कभी? नहीं हारते, चलो कोई बात नहीं। देखो इन्हें तो सीख लिया उन्हें ऐसा करने की वजह से, इनको बहुत सारा एक्सपीरियंस आ गया, अब इनके पास जो आएगा वो जो सिखाना उतना ही सिखा के रख लेगा। अब ये बताओ भाई कहाँ से? सर रायचूर से। रायचूर से? अच्छा, कर्नाटका से है, दुकान है आपका? हाँ सर। कैसा रहा 20 दिन आपका? अच्छा था सर, बहुत अच्छा था। अच्छा रहा, तो कोई आना चाहे क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल आ सकते सर। कैसा सिखाते हैं यहाँ पे? बहुत अच्छे तरीके से सिखाते सर। कब से काम कर रहे थे आप? मैं 3-4 साल से कर रहा था सर। यहाँ का वीडियो देख के इससे पहले बोला ना दूसरे को भी जाता, वो अच्छा काम कर ले रहा था, निकल गया फिर बयान। चलो कोई बात नहीं, खुद मरे तो खुदा मिलता बोलते लोग, कोई बात नहीं। बाकी जो सोच के आए थे मिला आपको? बिल्कुल सर। अब तो आपका हैंड स्किल भी बन गया, ब्लैक पर शेड कर ले रहे, डबल लेकर कर ले रहे, डायग्राम रीड कर ले रहे। बिल्कुल सर। कैसा फील हो रहा है अभी? अच्छा फील हो रहा है। दूसरा करना और अपन करने में बहुत फर्क रहता है? बहुत फर्क रहता है। कोई आना चाहे आपके गाँव से, रायचूर से, क्या बोलना चाहेंगे? बेफिक्र सर, आराम से आ सकते हो, स्टेप बाय स्टेप अच्छा सिखाते हैं। चलिए, आप एक और एक चीज़ ये बता दो, दूसरे को भेजे थे आप तो पहली बार ही भेजे थे यहाँ पे, तो ये बताओ दिल्ली में नहीं भेजे, गुजरात में नहीं भेजे, मुंबई वगैरह बहुत सारे नॉर्थ में इंस्टीट्यूट है, वहाँ नहीं भेज के यहाँ क्यों भेजे, यहाँ क्या अलग लगा? नहीं, अच्छा सिखाते बोल के पहले से भी मालूम था सर। अच्छा, उनसे पहले भी 2 जने आके गए थे सर। अच्छा, और 2 जने आके गए थे? गए थे, इसलिए उनको भेजा और मैं साथ में बैठ कर काम देखा ना, अच्छा कर लेगा तो बोल के मैं भी इधर ही। अच्छा, जो आके सीख के गए थे पुराने स्टूडेंट को देख के आप उनसे बात करके आए आप? हाँ सर। वाह क्या बात है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच मरुति, थैंक यू, कंग्रेचुलेशन, काम करो, ठीक है, थैंक यू। नबी रसूल, नबी रसूल।